वाइल्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान में शीप्स और गोट के डिस्कशन के बगैर या डिस्क्रिप्शन के बगैर वाइल्ड एनिमल्स कंप्लीट नहीं होते। सो अगर हम गोट्स के रेफरेंस से बात करें, पाकिस्तान में देयर आर लॉट्स ऑफ जेनरा जो बहुत ज़्यादा हैं, और पर्टिकुलरली जो वेरी इंपॉर्टेंट जेनरा पाकिस्तान में हैं, दे आर न्योमोरहिडस, दे आर हेमीट्रैगस, स्यूडियोस एंड कैपरा। इन चारों जेनरा में कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं, लाइक ऑब्वियसली दे आर रूमिनेंट्स एंड दे हैव द हॉर्न्स विच आर नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट एज दैट ऑफ द शीप्स। दे हैव डिफरेंट कलरेशंस। अगर हम पाकिस्तान के वेरियस एरियाज की बात करें, सो इनमें डिफरेंट तरह की जो कलरेशंस हैं, दे मे बी रेंजिंग फ्रॉम क्रीमी टू ब्राउन्स टू ब्लैक्स, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल स्टेटस कि वहाँ वो ये एनिमल्स किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू न्योमोरहिडस गोराल, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रे गोराल। अगर हम इसकी फिगर पे थोड़ा सा फोकस करें तो इट हैज़ अ डियर लाइक फेस। इसका जो शक्ल है वो ऑलमोस्ट डियर की तरह है, बाकी जितनी भी इसके फीचर्स हैं इसके अपने काउंटर पार्ट यानी एंटीलोप्स की तरह है। और इनमें जो ईयर्स हैं दे आर अगेन वेरी प्रोमिनेंट। द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, दिस जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन स्पीशीज इन पाकिस्तान, यानी इस जेनरा के का जो स्पीशीज है ये गोरल, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक ही स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज अ स्मॉल साइज एनिमल हुज फेस इज डियर लाइक बट अदर करेक्टरिस्टिक्स आर दोज ऑफ वाइल्ड गोट्स। जिस तरह भी हमने बात की कि इसका जो ओवरऑल फेशियल फीचर्स हैं वो डियर की तरह के हैं, जबकि जो बाकी इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाइल्ड गोट की तरह के हैं। इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 60-70 सेंटीमीटर एट शोल्डर वाइल वेज अप टू 28 ग्राम्स मैक्सिमम। 25 से लेकर 28 केजीज का ये वाइल्ड एनिमल या ये वाइल्ड गोट एग्जिस्ट कर रहा होता है। जनरल कलरेशन इज डार्क ग्रेइश ब्लू। ओल्डर बक्स टेंड टू बी डार्कर। डेफिनेटली जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है जो स्किन टोन है उसमें भी चेंज आता है, जो पिगमेंटेशन है उसमें चेंज आता है, एंड एज अ रिजल्ट जो कलरेशन है वो डार्कर टोन्स की तरफ चली जाती है। द टेल इज लॉन्गर दैन द अदर वाइल्ड गोट्स। देर इज अ कंस्पिकुअस ब्लैक मार्किंग इन फ्रंट ऑफ द फोर लेग्स। जो इसकी अगली टांगे होती हैं वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट ब्लैक मार्किंग्स होती हैं जो ये डिफ्रेंशिएट करवाती हैं दैट दिस गोट इज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर जेनरा। इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स द हॉर्न्स आर सिलेंडर ब्लैक कॉनिकल एंड कर्विंग बैकवर्ड्स एट द टिप्स व्हाइल द मेल्स विदाउट बियर्ड। ईयर्स ब्रॉड एंड बेल शेप्ड। फीमेल्स आर विद फोर मैमरी ग्लैंड। ये भी एक टिपिकल फीचर है जो इसी जेनरा में एग्जिस्ट कर रहा है। विद रेफरेंस टू इज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन पाकिस्तान, सो इन पाकिस्तान में इट इज एग्जिस्टिंग इन हिमालयन फुट हिल्स विच इज हैविंग एन एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम 1500 मीटर्स। मार्गला हिल्स में पाया जाता है, सवात में होता है, हजारा में, मालाकंड में, एंड इट इज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द नीलम वैली। यानी अगर हम नीलम वैली को थोड़ा सा और ज़रा जनरली बात करें तो इट इज़ एग्जिस्टेड इन आज़ाद कश्मीर एज वेल। सो क्योंकि वो एरियाज इस तरह के हैं, सवात हो गया, नीलम वैली हो गया, या ये हज़ारा या मालाकंड, दे आर कंपैरेटिवली एट एलिवेटेड रेंज, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा डाउन होता है। सो इसीलिए जो इसके कलरेशंस हैं या जो बॉडी फर है उसमें ज़रा थिकनेस होती है, लाइक दे हैव टफ्ट ऑफ हेयर्स थ्रू आउट देयर टॉप बॉडी कवर जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्शन एंड कूलर एनवायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया।